पैन कार्ड की एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है अब आप जब चाहे अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड की तरह हेलो दोस्तों कैसे आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक थैंक यू में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड की तरह अब जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इसलिए वीडियो में तक बने रहना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपका पैन कार्ड पिछले एक महीने के अंदर में बना है तो आप उसे फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पैन कार्ड को बने एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है तो उसके लिए आपको आठ रुपये छब्बीस पैसे का पेमेंट करना होगा आपका पैन कार्ड यदि यू से बना है तो आप यू से उसे डाउनलोड करेंगे जिसके लिए आप उसके बैक साइड पे देखेंगे किस भी पोर्टल की मदद से बनाएँ यदि एन के पोर्टल से बना है तो आप एन के पोर्टल से डाउनलोड करेंगे और यदि इनकम टैक्स की पोर्टल से बना है तो आप उसे इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड पोर्त करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप यू पोर्टल से कैसे अपना पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे इसके लिए आपको इस पेज पर आ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेनी है उसके बाद आप यहाँ पर फिर से पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे एंड कैप्चा फिलअप कर लेना है उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर शो हो जाएगा एंड जो भी नंबर और ईमेल आईडी आपका पैन कार्ड से लिंक होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कैप्चा फिलअप करेंगे एंड जहाँ पर भी आपको ओ चाहिए उस पर आप टिक करेंगे मोबाइल नंबर या ई मेल उसके बाद यहाँ पे कंसेंट देंगे एंड गेट ओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ओ सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर ई पैन कार्ड डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा आप जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पे आपका ई e पैन सेंड कर दिया जाएगा जिसे आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं अब बात कर लेते हैं आप एन एस टी एल के पोर्टल से कैसे अपना पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे जिसके लिए आपको इस पेज पे आ जाना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप यहाँ पे पेन वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे एंड अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे उसके बाद आपको आपका आधार नंबर इंटर कर लेना है डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, करेंगे एंड यहाँ पे कंसेंट देंगे उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपके पैन कार्ड से जो भी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको सो जाएगा आपको जहाँ पर भी ओ चाहिए आप टिक करेंगे एंड कंसेंट दे के जनरेट ओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओ सेंड किया जाएगा जिसे आप यहाँ पर फिलअप करेंगे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पैन कार्ड को बने एक महीने से ज़्यादा हो गया है तो इसलिए आपको यहाँ पर एट का पेमेंट करना होगा जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर कंसेंट देना है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आठ रुपये छब्बीस पैसे का पेमेंट करना है आप कंसेंट देंगे एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे अभी आपको रिडायरेक्ट कर दिया जा जाएगा पेमेंट मेथड पे आपको यहाँ पर आपका नंबर इंटर करना है आप यहाँ पर यू पी वॉलेट एंड कार्ड किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद आपको सिंपली प्रोसेस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ सेंड किया जाएगा जिसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर किसी भी कार्ड एंड नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर लेना है इसके बाद आपके ई मेल आई आपका ई पैन कार्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसे आप वहाँ से डाउनलोड करा के प्रिंट करा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ में